हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी डिप्लोमा। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेलवे में किटनरी वायर क्या होता है, कॉन्टैक्ट वायर क्या होता है, ड्रॉपर क्या होता है और इन सभी का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो सारी बातें हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए शुरू करते हैं। रेलवे में जो कैटेनरी वायर होता है उसे ही फीडिंग पोस्ट से सप्लाई दिया जाता है, ताकि जो हमारा ट्रेन का पेंटोग्राफ है इससे टच होकर अपना पावर ले सके। मगर कैटेनरी वायर में सेक प्रोड्यूस हो जाने के कारण जो हमारा ट्रेन का पेंटोग्राफ है इससे स्मूथ करंट नहीं ले पाता है। अब सेक क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी दो पोल के बीच में अगर किसी रस्सी या फिर वायर को बांधा जाए तो उसमें सेक प्रोड्यूस होता है। तो वही बात हमारा कैटेनरी वायर के साथ भी होता है, क्योंकि हमारा जो कैटेनरी वायर है यह दो पोल के बीच में बांधा जाता है, जिसके कारण जो हमारा कैटेनरी वायर है उसमें सेक प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर हमारा ट्रेन का पेंटोग्राफ इससे टच होकर पावर लेने के लिए सोचेगा तो उसमें क्या होगा कि आर्क प्रोड्यूस होगा। तो उस सिचुएशन में पेंटोग्राफ को कंटिन्यूस और स्मूथ करेंट को सप्लाई करने के लिए हम लोग ड्रॉपर और कॉन्टैक्ट वायर का यूज करते हैं। जो ड्रॉपर होता है यह एक प्रकार का कंडक्टर होता है, जो कि कैटेनरी वायर से कनेक्टेड होता है और हमारे कॉन्टैक्ट वायर को कॉन्स्टेंट हाइट पर रखता है, इवन एट द ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताकि हमारा जो ट्रेन का पेंटोग्राफ है वह कॉन्टैक्ट वायर से टच होकर स्मूथ करेंट को ले सके। जो हमारा ड्रॉपर होता है उसका दो काम होता है। फर्स्ट काम तो यह होता है कि यह हमारे कॉन्टैक्ट वायर को कॉन्स्टेंट हाइट पर रखता है, और सेकेंड काम इसका यह होता है कि यह कॉन्टैक्ट वायर के वोल्टेज ड्रॉप को मेंटेन करता है। अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। रेलवे का जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उसी से टच होकर के हमारा पेंटोग्राफ जो है अपना पावर को लेता है और हमारा ट्रेन चलता है। हम लोग कॉन्टैक्ट वायर को ट्रॉली वायर भी बोलते हैं और कैटेनरी वायर को मैसेंजर वायर भी बोलते हैं। रेलवे में जो दो पोल के बीच में जो दूरी होती है वह 72 मीटर होती है, और वह दूरी कम हो जाती है जब हमारा ट्रैक किसी कर्व पाथ पर होता है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ यार कुछ उखाड़ ले यार, जिंदगी में कुछ कर ले। बाय।